बिल्कुल मैं पोलिंग हो रहा था और अवैध ढंग से मतदान केंद्र में घुस करके पोलिंग को बाधित करने की कोशिश किया है। 3-4 फायरिंग हमारे ऊपर कर दिया। मैंने अपने कान से आवाज़ से सुना कि आगे MP साहब पर फायरिंग क्यों कर रहे हो, तो उससे उलझ गए, उसको मारपीट किया रिवॉल्वर्स के बट से, जान उनकी बच गई, नहीं तो हो सकता तो उनको भी जान मार देते। दिन में भी हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, बूथ पर पाली में मारा, दानापुर में मारा, पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को। हार में जो बौखलाहट है ना, वही है सब परिणाम है। हमारे पोलिंग एजेंट को मारना, हमारे कार्यकर्ताओं को मारना, हम पर अटैक करना, उससे पहले हमारे लड़के पर अटैक हुआ था प्रचार के दरमियान। दोपहर के समय में जानकारी मिली कि वहाँ के स्थानीय विधायक रेखा देवी जी गई हैं वहाँ तिनेरी बूथ पर, यहाँ स्कूल में पोलिंग हो रहा था और अवैध ढंग से मतदान केंद्र में घुस करके पोलिंग को बाधित करने की कोशिश किया है। स्थानीय ग्रामीणों ने, आम जनता ने उसका प्रोटेस्ट किया, हंगामा हुआ। उस हंगामा के बारे में जानकारी के लिए मैं गया था, मगर वहाँ जाने के बाद जब मैं निकल करके एक दूसरे गांव में जा रहा था तो वहाँ पर पहले से लोग इकट्ठे थे, पता नहीं कैसे उनको मालूम था क्या था, और 3-4 फायरिंग हमारे ऊपर कर दिया। मैंने अपने कान से आवाज़ से सुना, मैं फिर आगे बढ़ गया, मैं रुका नहीं वहाँ, आगे बढ़ गया, चूँकि मेरे पास कोई उतना सुरक्षाकर्मी एक्स्ट्रा तो था नहीं, 2 ही कर्मी रहता है मेरे पास। तो मैं जब आगे बढ़ा, रुका, तो मेरे साथ मेरे जो समर्थक लोग थे उस गांव तिनेरी गांव के, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि MP साहब पर फायरिंग क्यों कर रहे हो, तो उससे उलझ गए, उसको मारपीट किया रिवॉल्वर्स के बट से, जान उनकी बच गई, नहीं तो हो सकता तो उनको भी जान मार देते। यही है घटनाक्रम, दुखद है, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारे 40 साल के सार्वजनिक जीवन है, विद्यार्थी जीवन से ही मैं सक्रिय हूँ, मगर आज तक हिंसा की राजनीति में मैं कभी विश्वास नहीं किया। मैं तो राष्ट्रीय जनता दल में भी रहा हूँ, इस तरह का संस्कार मैंने कभी सीखा नहीं, पाया नहीं, और ऐसा कुछ होगा ऐसा मुझे विश्वास नहीं था। यहीं दिन में भी हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, बूथ पर पाली में मारा, दानापुर में मारा, पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को कि लोकतंत्र को बंदूक के बल पर ख़त्म कर देना चाहते हैं। लोकतंत्र ख़त्म नहीं होगा ना, लोगों का जन भाव है, उसको कैसे आप बंदूक से ख़त्म कर दीजिएगा रिवॉल्वर से। कौन थे वो लोग जो आप लोगों पर बोले? वो स्थानीय लोग ही थे और राष्ट्रीय जनता से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे जो हमारे साथ, जिनको चोट लगी है, जो लोग थे उनको लोग पहचानते भी हैं, लोगों का नाम भी बताया है। क्या स्थानीय विधायक भी उसमें शामिल है क्या? अब कौन है नहीं है पुलिस जानता है, हम तो नहीं जानते हैं। आखिर क्या वजह रही रामजीपाल जी जो आपके ऊपर? वही तो पता नहीं, हम तो किसी का हित करते नहीं भैया, मैं तो हित ही करता हूँ, वही तो करता ही नहीं। अब तो ये पॉलिटिकल प्रतिद्वंदता है, हार हो गई उनकी, तो हार में जो बौखलाहट है ना, वही है सब परिणाम है। हमारे पोलिंग एजेंट को मारना, हमारे कार्यकर्ताओं को मारना, हम पर अटैक करना, उससे पहले हमारे लड़के पर अटैक हुआ था प्रचार के दरमियान, और हमारे प्रचार गाड़ी लेकर जो जा रहा था उस पर भी अटैक हुआ, सिद्धार्थ जो MLA हैं विक्रम के, उनके ऊपर भी अटैक हुआ, एक दलित समाज महादलित समाज का व्यक्ति था उसको मार मार करके देह तोड़ दिया, हॉस्पिटलाइज था, केवल इसलिए कहा था कि मैं BJP को वोट करूंगा, यही कसूर था उसका। तो इस तरह का माहौल, इस तरह का परेशानी है। दानापुर घटना की जानकारी मैंने दिया, हमारे पार्टी का महामंत्री है वो, उसको मारा, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, बौखलाहट इसलिए हो गई कि लोग हार गए। रेखा पासवान ने, उन्होंने भी एक मामला दर्ज करवाया। रेखा पासवान तो बिल्कुल प्लांटेड है ये, जब हमारे तरफ से FIR हुआ तो उसके काउंटर में FIR कर दिया। आपको अगर कुछ हुआ था तो वहीं तो थाना पुलिस था, वहीं करवा लेते, जैसे मैंने करवाया सामने बुला करके, वहीं रोड पर मैंने ही FIR लिखा है, रोड पर उठा अभी वहाँ पर करवा तो कौन रोक रहा था। तो रात में आप करवा रहे हैं, हमारे FIR के बाद आप FIR करवा रहे हैं, चिन्हित कर रहे जो हमारे कार्यकर्ता थे, वहाँ का मुखिया, महिला मुखिया, उसके ऊपर FIR कर रहे हैं, बताइए। महिला मुखिया पर करवा रहे हैं, उसके पति पर करवा रहे हैं, और दूसरा हमारे जो समर्थक कार्यकर्ता तो उस पर करवा रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी। सबसे पहली बात है कि रेखा देवी को वहाँ जाने का कौन अधिकार दे दिया? वो तो मतदाता नहीं थी वहाँ की,
मतदान केंद्र पर आप जा सकते हैं अपना वोट देने के लिए। तिनेरी बूथ पर कैसे चले गए, किस हैसियत से गए, और बूथ पोलिंग बूथ के अंदर कैसे चले गए? हमको बताया कि मैं पोलिंग बूथ में कहीं घुसा हूँ? हम खुद कैंडिडेट हैं या मेरा कोई एजेंट है या मेरा कोई समर्थक है? बताइए, कोई एक जगह पर हम लोग घुस के देखे हैं, हंगामा किए? उन लोगों ने भी बहुत कुछ किया है, बूथ को रिगिंग किया है, कहाँ कोई प्रोटेस्ट हुआ? हमारा तो आदमी किया नहीं कोई। वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से सब हो रहा था, लाइन में लग करके वोट कर रहे थे, अच्छे ढंग से वोट आ रहा था, और बूथ को डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। जाँच तो बिल्कुल, जाँच तो एफ आई आर किए हैं तो जाँच नहीं होगा।